वेलकम टू माय चैनल श्रेवी तैमन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी ठीक हैं, आप लोग दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोयला कढ़ाई और उसके लिए क्या कुछ चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 kg जो है ये बीफ ले लिया है, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि कढ़ाई में टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये मैंने इतने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं। इस तरह से स्लाइस में मैंने इसको कट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ले लिया है, मेरे पास पिसा हुआ ख़त्म हो गया था तो मैंने घर पे ही कूट के ले लिया। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 tablespoon मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई मसाला। और इसके अलावा 2 teaspoon मैंने नॉर्मली रेड चिली पाउडर लिया है और 1.5 teaspoon मैंने यहाँ पर कुटी हुई रेड चिली ली है, ठीक है। और 1.5 teaspoon यहाँ पर मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये अच्छी होती है कलर के लिए, इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। और यहाँ पर मैंने क्या कुछ लिया है, यहाँ पर मैंने 2 teaspoon मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। हल्दी मेरे पास ख़त्म हो गई है इतनी थी तो मैंने इतनी ले ली। और यहाँ पर 2 teaspoon मैंने यहाँ पर जीरे के ले लिए हैं। 1.5 teaspoon मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है और 1 teaspoon मैंने यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर ले लिया है। और इस तरह से प्याज मैंने चॉप करके स्लाइस में कट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जो जाएगा इस रेसिपी में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, रेसिपी की तरफ जाने से पहले, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देगची ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये सारा बीफ ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये लहसुन अदरक भी इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम इसमें ये पानी ऐड कर देंगे और इसे हम गैस का फ्लेम ऑन करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको इतना पकाना है और इसमें तकरीबन 1 cup जो है पानी रह जाए। आप सब जानते ही होंगे कि जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम जब कढ़ाई ऑर्डर करते हैं तो 10 मिनट में तैयार होकर आ जाती है, तो वो लोग यही करते हैं कि पहले से बॉईल करके रख लेते हैं, बस हमें सिर्फ मसाले में फ्राई करके दे देते हैं। तो हम इसको जो है बॉईल करेंगे तो उसके बाद फिर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बीफ जो है ये गल चुका है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और 1 cup जितना तकरीबन पानी बचा है, अब हम इसे बीफ को निकाल लेंगे और पानी को छान लेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है, ठीक है, ये कोयला कढ़ाई है तो कढ़ाई में ही बनेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो इतना जो है हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये प्याज ऐड कर देंगे। इसे 30 सेकेंड के लिए हम इसे भून लेंगे प्याज को, और जब तक कि हमारे प्याज में लाइट ब्राउन सा कलर, प्याज में लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है, अब हम इसमें ये लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे, ठीक है। हमने लहसुन को भी अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम ये बीफ भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे 5 मिनट तक। फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल इसमें गल चुके हैं बीच में। अब हम क्या करेंगे कि जो मसाले हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये इतना सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, ठीक है। मिक्स कर लेंगे।
मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से वो भुन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ऑयल जो है इसका बिल्कुल सेपरेट है, तो हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम 90% तो हमने जो है बीफ को गला लिया था, अभी 10% रहता है, तो 10% में हम ये करेंगे कि ये जो एक कप हमने यखनी रखी थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे, और अब हम इसे कवर करके हम क्या करेंगे, इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारी कढ़ाई तैयार हुई कि नहीं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, और ऑयल जो है हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हरी मिर्च का ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे, और फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैं ये डेट रखूंगी और इसमें एक दो कतरे में ऑयल के ऐड करूंगी, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि जो कोयला मैंने यहाँ पर जलाया हुआ है, अब ये मैं रख दूँगी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कवर करके हम इसे छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। सो फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं माशाल्लाह हमारी जो कोयला कढ़ाई है रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार है, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी ये कोयला कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक ने फिर ज़िंदगी दी, तो फिर हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।